हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फायर पंप को हम फ्लो टेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं फायर पंप का टेस्ट, हम फ्लो टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके फायर पंप का कंट्रोलर पैनल जो है उसके बारे में बता दूं। ये आप सबसे राइट साइड में आप देख सकते हैं, छोटा सा पैनल है, वो जॉकी पंप के लिए कंट्रोलर पैनल है। और सेंटर में डीजल पंप का कंट्रोलर पैनल है, और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये बड़ा वाला, ये आपका इलेक्ट्रिक पंप का कंट्रोलर है। ये यहाँ से हम तीनों पंप को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी करना है हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक पंप है, और ये सेंटर वाला ये आप देख सकते हैं, ये हमारा चौकी पंप है, एंड ये लास्ट वाला ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये हमारा डीजल पंप है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक पंप का डिस्चार्ज लाइन है, जो कि वाटर टैंक से होकर के, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सामने वाटर टैंक है, यहाँ से ये लाइन कनेक्ट हुआ है इलेक्ट्रिक पंप से, और ये इसका डिस्चार्ज लाइन है इलेक्ट्रिक पंप का, आप इसको देख सकते हैं। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर ये हमारा फ्लो टेस्ट लाइन है, जो कि आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लो टेस्ट लाइन है, एंड ये फ्लो टेस्ट का जो गेज है आप देख सकते हैं, ये सामने जो है वो फ्लो टेस्ट का गेज है, और ये फिर ये लाइन जो है वापस रिटर्न वाटर टैंक में जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वाटर टैंक है। और फिर आते हैं, ये हमारा जॉकी पंप है, जॉकी पंप का भी सेम आप देख सकते हैं, ये सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टैंक से आ रहा है, और ये सक्शन ये जॉकी से कनेक्ट होकर के फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा डिलीवरी लाइन है, और ये आप देख सकते हैं डिलीवरी लाइन। फिर इसी तरह सेम डीजल पंप का भी है, डीजल पंप का भी आप देख सकते हैं, ये सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारा ये डिलीवरी लाइन है, जो कि ये तीनों का जो डिलीवरी डिस्चार्ज लाइन है, ये पूरे बिल्डिंग में जिधर जिधर ये स्प्रिंकलर एंड हॉस लैंडिंग वाल जो इंस्टॉल किया हुआ है, ये टोटली इससे कनेक्टेड रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्चार्ज लाइन का पाइप कैसे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टोटल डिस्चार्ज लाइन का ये पाइप है, ये देखिए आप, और ये जो है ये हमारा डिस्चार्ज लाइन का मेन हेडर है, ये आप देख सकते हैं, ये डिस्चार्ज लाइन का मेन हेडर है। ये सेंटर वाला ये जो है स्प्रिंकलर के लिए गया हुआ है, डिस्चार्ज लाइन है, और ये लास्ट वाला लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है ये वेटराइजर लाइन है, जो कि लैंडिंग वाल्व एंड हॉसल से कनेक्टेड रहता है। तो ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज हेडर इसको हम बोलते हैं। सो आज हमको फ्लो टेस्ट टेस्ट करना है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फ्लो टेस्ट करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जो फायर पंप का जो कंट्रोलर है वहाँ पर जा करके सबसे पहले हम डीजल एंड इलेक्ट्रिक पंप को ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो जॉकी पंप है, ये जॉकी पंप आप देख सकते हैं राइट साइड में, इसको हम ऑटो मोड में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिलीवरी लाइन का जो मेन हेडर है, इसका जो दो गेट वाल्व है आप देख सकते हैं, वो ओएस एंड वाई वाल्व इसको बोलते हैं, इसको हम क्लोज करेंगे। ये ओएस एंड वाई वाल्व है, एंड ये दूसरा वाला ये बटरफ्लाई वाल्व है, ये दोनों को हम क्लोज करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग में जा रहा है, तो सबसे पहले हम इस दोनों को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर आते हैं हम टेस्ट लाइन में। ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट लाइन का ओएस एंड वाई वाल्व है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये अभी क्लोज मोड में है, ये क्लोज है, इसको हम ओपन करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करके इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक पंप की तरफ, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक पंप है, और इसमें जो होता है हर पंप में एक उसका नेम प्लेट होता है, उस नेम प्लेट में इसका एवरीथिंग मेंशन किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्लो टेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक पंप का नेम प्लेट है, इसमें आप मॉडल नंबर भी देख सकते हैं, मॉडल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एंड रेटेड कैपेसिटी, इसका जो पंप है इसका रेटेड कैपेसिटी 1000 GPM है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 GPM है। फिर इसका जो रेटेड प्रेशर है 145 PSI है, इसका जो रेटेड प्रेशर है 145 PSI है, एंड आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो दिया हुआ है 159.5 BHP दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर
जो इस पंप का जो मैक्सिमम प्रेशर है 151 PSI से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है 151 PSI है। एंड और ये आप देख सकते हैं सबसे राइट साइड में नीचे प्रेशर एट 150%, 150% इसका मतलब होता है जो इसका प्रेशर है 134.5 PSI होना चाहिए, जो कि हम फ्लो टेस्ट करेंगे उस टाइम आपको दिखाएंगे ये रेटेड प्रेशर जो है 150% पे कितना प्रेशर दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम सक्शन प्रेशर जब पंप चल रही है उस टाइम जो इसका सक्शन प्रेशर है 149 PSI होना चाहिए। ये हमारा सक्शन गेज है, इलेक्ट्रिक पंप का ये सक्शन गेज है। एंड ये है हमारा डिलीवरी गेज, इलेक्ट्रिक पंप का जो डिस्चार्ज लाइन होता है उसका ये गेज है। इसमें प्रेशर दिखाएगा कितना प्रेशर में ये वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से। और ये हमारा कंट्रोलर का प्लस प्रेशर है, इलेक्ट्रिक पंप का जो कंट्रोलर है उसका ये प्रेशर यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये हमारा गेज है, ये जो फ्लो मीटर का गेज जो होता है यही हमारा फ्लो मीटर का गेज है। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लो टेस्ट लाइन का बटरफ्लाई वाल्व है जो कि फ्लो टेस्ट लाइन में इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे फ्लो टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले फ्लो टेस्ट करने से पहले क्या करना है, ये हमारा जो OS एंड Y वाल्व है ये तो ऑलरेडी ओपन कर दिया है ओपन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो अभी हम जॉकी पंप जॉकी को ऑटो में रखे थे और डीजल और इलेक्ट्रिक को ऑफ करके रखे थे, तो अभी हम क्या करेंगे जॉकी और डीजल पंप को ऑफ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक पंप का फर्स्ट वो टेस्ट करना है, तो इलेक्ट्रिक पंप को हम ऑटो मोड में डालेंगे। ऑटो मोड में डालने के बाद ये जो बटरफ्लाई दिख रहा है बटरफ्लाई वाल्व, इसको थोड़ा सा हम ओपन करेंगे। इलेक्ट्रिक पंप जैसे ही स्टार्ट होगा फिर हम इस वाल्व को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसको अभी फर्स्ट में जीरो प्रेशर पे फ्लो टेस्ट करना है, तो जीरो प्रेशर पे फिर क्या पंप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप का जो डिलीवरी गेज है इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम रेटेड प्रेशर है उतना यहाँ पे शो होना चाहिए जब पंप रनिंग में हो। और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पंप का कंट्रोलर है वहाँ भी हम चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक पंप कंट्रोलर में भी चेक करेंगे दोनों का प्रेशर बराबर मिलना चाहिए। फिर उसके बाद दोनों का प्रेशर चेक करने के बाद जीरो फ्लो टेस्ट में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बटरफ्लाई वाल्व है इसको हम धीरे धीरे ओपन करेंगे और 100% पे इसका हम फ्लो टेस्ट चेक करेंगे। तो 100% पे चेक करने में, क्योंकि ये पंप जो है हमारा 1000 GPM का है, तो इसका जो फ्लो टेस्ट है ये वाटर फ्लो मीटर में 1000 गैलन इसमें शो करना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे डिलीवरी गेज में इसमें जो कितना प्रेशर शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो रेटेड प्रेशर था उसका 145 PSI था, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। और फिर हम इलेक्ट्रिक पंप कंट्रोलर पे भी चेक करेंगे। दोनों जगह चेक करने के बाद दोनों का प्रेशर अगर मिल रहा है तो फिर हम इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसके बाद फिर हमको 150% पे इसका फ्लो टेस्ट चेक करना है। तो 150% पे फ्लो टेस्ट चेक करने के लिए जो ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व है इसको हम धीरे धीरे ओपन करेंगे। फिर ये 1500 पे ये जाएगा, जैसे ही गैलन पे जाएगा इसका जो गेज है वाटर फ्लो मीटर का जो गेज है 1500 पे जाएगा। फिर उसके बाद हम डिलीवरी गेज का जो प्रेशर है उसका हम प्रेशर चेक करेंगे और जो नेम प्लेट है उससे और इससे हम इसको मैच करेंगे कि ये कितना प्रेशर शो कर रहा है। फिर हम कंट्रोलर में भी चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक पंप जो कंट्रोलर है पैनल है वहाँ पे भी हम चेक करेंगे। दोनों का अगर प्रेशर मैच कर रहा है तो फिर हम समझेंगे कि हमारा जो पंप है करेक्ट फ्लो रेट दे रहा है। फिर सेम जो है हम डीजल पंप का भी फ्लो टेस्ट ऐसे ही करेंगे। तो एक्चुअली हम टेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि जो टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही आप जो फ्लो टेस्ट है आप कर सकते हैं। और जो नेम प्लेट है रेटेड जो प्रेशर दिया हुआ है नेम प्लेट पे एवरीथिंग दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप नोट करके उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए। फ्लो टेस्ट चेक करने के बाद उसका जो प्रेशर है रेटेड प्रेशर है जो भी प्रेशर नेम प्लेट पे दिया हुआ है वो पूरा मैच करने के बाद सब कुछ अगर करेक्ट है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, पूरे पंप को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बटरफ्लाई वाल्व है एंड OS एंड Y वाल्व है जो फ्लो टेस्ट लाइन में इंस्टॉल किया हुआ है इसको हम क्लोज कर देंगे।
दोनों को अच्छे तरह से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर ये डिलीवरी लाइन का जो हेडर है यहाँ से हम ये दोनों गेट वाल्व को, वन गेट वाल्व और एक बटरफ्लाई वाल्व जो इंस्टॉल किया हुआ है, इस दोनों को हम धीरे धीरे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जॉकी पंप को ऑटो में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेशर डाउन हुआ होगा, उस प्रेशर को हमारा जॉकी पंप मेंटेन कर देगा और जो हमारा रेटेड प्रेशर होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होने के बाद डीजल और इलेक्ट्रिक पंप को भी हम ऑटो में डाल देंगे और उसके बाद ये हमारा सारा सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। सो टेस्ट करने का यही प्रोसीजर है, ऐसे ही हम टेस्ट करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आप वीडियो बनाकर जरूर क्लियर करूंगा। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको आपको क्लियर जरूर करूंगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।